नमस्कार दोस्तों, चलिए आप सबको मेला का कुछ सीन दिखाते हैं, हम लोगों ने क्या क्या किया जो सराउंडिंग में। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले हमने राउंड अंदर थोड़ी सी चीज लगाई हुई है, आप लोगों को आगे देखने मिलेगी। तो आप लोग वीडियो में तो जुड़े रहिएगा। ये हमारी स्प्रिंग पर का दुर्गा जी हैं, हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने। चलिए आप लोगों को भी घुमाते हैं। चलिए बाय, चलते हैं मेला में दर्शन कराएंगे माता रानी का। तो चलिए मेला दिखाते हैं। हमारा बैलेंस बिहार जो कि हमारा ग्राम निवासी, हम लोग यहीं पर रहते हैं। ये हमारा बैलेंस बिहार है, हमारे शहर का। तो ये हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। ये हमारे स्प्रिंग पर का दुर्गा जी यहाँ पर आती है। तुम्हारे तपस्या से अति प्रसन्न हे देवों के देव महादेव, जो आज तक किसी को भी ना मिला हो। ठीक है बस, तुम्हारे शरीर से रक्त का एक भी बूंद भूमि पर गिरेगा, उसी के समान महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। मैं जय हो गया, इसे कोई नहीं मार सकता। मैं सभी देवी देवता तथा मानव को मारकर इतना घबराए क्यों? तुम्हें इतना घबराना शोभा नहीं देता। सभी देवी देवता भयभीत हो रहे हैं, ना जाने क्या होगा। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। स्त्री ना जाने संकट आने पर हमेशा पुरुषों के पास क्यों चली आती है? अपने को पहचान लिए, तुम स्वयं शक्ति स्वरूपा हो, शंकर का अर्धांग हो। अगर नारी अपना भय त्याग दे तो वो स्वयं शिवा बन जाती है। उचित समय आ गया है, अपनी शक्ति रूप धारण कर उस दैत्य को मार कर देवताओं का कार्य सिद्ध कर। पुरुष को प्रसन्न करने के लिए होती है। अब तुम मेरे पास आ जाओ सुंदरी। I don't know.
बहन चामुंडी, इस व्यक्ति का रक्त भूमि पर गिरने से फिर उत्पन्न हो जाता है, इसलिए अपने शस्त्रों द्वारा काट दी जाओ और रक्त को पी दी जाओ ताकि उसका रक्त भूमि पर ना दी। बच्चा आपसे छूट जाएगा और आप सब से आग्रह है और यहाँ देखिए जगदीशपुर नगरी आ गए। दूसरा दिन हम लोग घूमे दशमी के दिन, तो ये हमारा रावण दहन हो रहा है यहाँ पे जगदीशपुर के हाथा में, जो कि वीरकुंवर सिंह का हाथा है, बापू वीरकुंवर सिंह से चलता है। मैंने सोचा आप लोग के साथ थोड़ी दिखा दूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुंवर सिंह का किला है और ये देखिए रात हो चुकी थी इसीलिए गेट बंद हो चुका है, तो मैं आप लोगों को अंदर नहीं दिखा पाई क्योंकि हम लोग रात को ही पहुंचे थे। कभी दिन में जाऊंगी तो आप लोगों को बढ़िया से दिखाऊंगी। थोड़ी सी मैंने शूट की थी वीडियो, इधर मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ वहाँ पे उनका मंदिर, उसके बाद उसके बाद फिर दूसरा जगह चल दिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जगदीशपुर में ही हम लोग घूम रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग मूर्ति देखे थे। तो पूरा नई वीडियो कर पाई हूँ फ्रेंड्स, ज्यादा नई वीडियो को बढ़ाई हूँ, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को दिखाई हूँ। तो यहाँ पे ये जगदीशपुर की मूर्ति है, वहाँ पे भी हम लोग कई मूर्ति देखी, पूरा का पिक नहीं ले पाई हूँ, थोड़ा बहुत दिखाई हूँ। फिर और उसके बाद देखिए थोड़ी सी प्लिक की पिक मैंने लगाई है, सॉरी। और मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।